राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश कुमार सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें, रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता ग्रहण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र राय और पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में कमलेश कुमार सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव सह प्रभारी ने कमलेश कुमार सिंह को पार्टी का पट्टा और सदस्यता फॉर्म भराकर उन्हें भाजपा में शामिल कराया। मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और विधायक कमलेश कुमार सिंह के समर्थकों ने भी भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता ग्रहण कराने के बाद विधायक कमलेश सिंह और उनके समर्थकों का तहे दिल से स्वागत किया। पुराने दिनों को याद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई बार ऐसे मौके हैं जब विधायक कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर समर्थन किया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से आज उनके औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। सबको कहूंगा कि मैं कमलेश जी से संबंध आज का नहीं, बहुत पुराना संबंध है, उन दिनों का भी संबंध है। हमें याद है 2005 भारतीय जनता पार्टी संकट में थी, सत्ता से हम सब लोग बाहर हो गए, तो कमलेश जी एक वो शख्स थे, सरकार में रहते हुए हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया, रविंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, पर उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, सहयोग दिया और फिर से हम सब लोगों ने मैंने इसलिए उन पुरानी बातों को थोड़ी याद किया, बाकी तो हेमंता जी ने बता भी दिया कि हम सबको जब कभी भी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कमलेश जी की, और कमलेश जी से हम सब लोगों ने जब भी आवाज दिए कि भाई आप जरूरत है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, तो उस वक्त इन्होंने खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके लिए मैं आज इस मंच से उनको मैं अभिनंदन करता हूँ और अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। वही सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विधायक कमलेश सिंह ने आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले भी वह हर मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। वातावरण बना है, इस वातावरण में सब लोग, ये मेरा एक मानना है कि अभी सब लोगों का एक प्रकार से विश्वास आ चुका है कि परिवर्तन आएगा और परिवर्तन को अभी कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा एक माहौल पूरा झारखंड में बना है। आज कमलेश सिंह जी का योगदान से ये माहौल को और बल मिलेगा। इसके साथ ही सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को एक समुद्र और अपने आप को एक सच्चा सिपाही बताया। समारोह का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि विगत 5 वर्षों में झारखंड में भय का वातावरण पैदा हुआ है। राज्य में आज बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि नाम पूरे विश्व में है, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता में एक है, और हमें गर्व होता है कि आज इस पार्टी के हम सदस्य हैं।